अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माह शाबानुल मुअज्जम में 1444 हिजरी के सफ़र उम्रा की सआदत नसीब हुई और अल्लाह ताला ने उम्रे जैसी अजीम इबादत के लिए कबूल और मंजूर फरमाया और तकरीबन 20 रोज़ हरमैन शरीफ़ैन में गुजार कर और वहाँ इबादत करके और इसी तरीक़े पर इस सफ़र के दौरान बहुत सारी मुक़द्दस मकामात तारीख़ी मकामात की ज़ियारत करके रमज़ानुल मुबारक से पहले वापसी हुई है। मैंने उन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करते हुए वहाँ की कुछ अहम चीज़ों को अपने मोबाइल के कैमरे से नोट किया ताकि मेरे जो नाज़रीन हैं मुझे जो देखने वाले हैं और जिन्होंने अभी अपनी आँखों से ये मकामात नहीं देखे हैं तारीख़ी हकाइक सिर्फ़ किताबों में पढ़े हैं उनको इस मोबाइल के कैमरे के ज़रिए से दिखा दिया जाए। इसलिए मैं आज आप हज़रात की खिदमत में मैदान बदर दिखलाने वाला हूँ जहाँ इस्लामी तारीख की पहली जंग अजीम हुई है कि मैदान बदर कहाँ है और वहाँ का वहाँ कौन कौन सी चीज़ तारीखी है। जैसे मलाइका का नुजूल मैदान बदर में हुआ था तो वो कौन सा पहाड़ था और इसी तरीके पर मुशरिकीन की जानिब से उनका लीडर था अबू जहल उसका उसकी लाश को उसके कत्ल के बाद एक कुएं में फेंक दिया गया वो कुआ कहाँ है। ये और इससे इस जैसे बहुत सारी तारीखी चीज़ें आपकी इस वीडियो में आज हम दिखलाने वाले हैं। इससे पहले आप थोड़ा सा बदर की थोड़ी सी तारीख को समझ लीजिए। जंग बदर 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को हुई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के मदीना मुनव्वरा चले जाने के दूसरे साल 17 रमज़ानुल मुबारक को जंग बदर हुई है। ये चांद की तारीख के अतबार से है और ईसवी तारीख के अतबार से 13 मार्च 624 ईसवी को ये जंग बदर का बड़ा और इस्लाम और कुफ्र की बुनियाद पर जंग का ये वाक़या पेश आया है। मुसलमानों की क़ियादत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। आपके लीडर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और मुसलमानों की कुल तादाद 313 थी जबकि मुसलमानों के पास 2 घोड़े और सिर्फ 70 ऊँट थे। ये छोटी सी तैयारी अहल ईमान और मुसलमानों की थी। इसके बरखिलाफ अहल ईमान और मुसलमानों के दुश्मनों का जो लश्कर था वो तकरीबन 950 अफराद पर मुश्तमिल था और उनके साथ 100 घोड़े थे जबकि मुसलमानों के साथ सिर्फ 2 घोड़े थे और ऐसे ही 170 उनके साथ ऊँट भी थे। इसके बावजूद जंग का नतीजा ये हुआ कि इन मुशरिकीन और कुफार के 70 आदमी तो कैद कर लिए गए और 70 ही मक़तूल हुए कत्ल कर दिए गए। अहले ईमान और मुसलमानों का जो नुकसान इस जंग में हुआ वो ये था कि 17 सहाबा को शहादत नसीब हुई। बाकी इसके अलावा ज़मीनी हकाइक क्या हैं और क्या मैंने देखा है आप इस वीडियो में मुलाहजा कर लें। तो आज मैं यहाँ मकाम बदर पर आया हुआ हूँ इसलिए आप हजरात को मैं यहाँ की थोड़े सा बारे में कुछ दिखलाना चाहता हूँ इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ आ नहीं सकते लेकिन वो सोशल मीडिया के ज़रिए और वीडियोस के ज़रिए यहाँ के मकामात और मुक़द्दस और बाबरकत चीज़ों को देख कर के शर्फ हासिल कर सकते हैं। तो ये जो आप हजरात के सामने इस वक्त नज़र आ रहा है जो मंज़र यही मैदान बदर है और ये मैदान बदर है। इस जंग में इस्लामी तारीख की ये पहली जंग है। इस जंग में 14 सहाबा इकराम को शहादत नसीब हुई थी और अहले ईमान और मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी और इसके अलावा मुशरिकीन और कुफार अल्लाह के रसूलुल्लाह के बागी इस जंग में शिकस्त खाए थे उनको हार मुकद्दर बनी थी। तो ये वो मकामात हैं जो आप हजरात अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
ये मैदान बदर है और हमारे जो मुअल्लिम हैं जो यहाँ की मालूमात रखने वाले हैं इन्होंने बतलाया है कि यहीं पर आगे जहाँ आपको ये लाइट नज़र आ रही है इस लाइट्स के आगे एक कुआं था जिसमें अबू जहल को मारने के बाद डाल दिया गया था और ये इसके आसपास का मंज़र है और यहाँ अब इस वक्त ये खजूर का बाग भी नज़र आ रहा है और इसके अलावा ये पहाड़ आप देख रहे होंगे, ये पहाड़ हैं, ये पहाड़ में जो आप ये देख रहे हैं गोल्डन कलर के जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये वही पहाड़ है जिस पर अल्लाह ताला ने अहले ईमान और मुसलमानों की बज़ाहिर हार और शिकस्त जब नज़र आई और उस वक्त अल्लाह ताला ने मलाइका के ज़रिए फ़रिश्तों के ज़रिए जिसका तज़किरा कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है मुसलमानों की अहले ईमान की मदद फरमाई और 5000 फरिश्तों के ज़रिए मलाइका के ज़रिए अल्लाह ताला ने अहले ईमान और मुसलमानों की मदद फरमाई जिसके नतीजे में जीत और फतह अहले ईमान और मुसलमानों का मुकद्दर बनी। ये जो गोल्डन से कलर के आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये फ़रिश्तों के नुज़ूल का मकाम है। बाकी इसके अलावा भी आप आगे देखें वहाँ और आगे पहाड़ नज़र आ रहे हैं और इधर भी इसी तरीके के पहाड़ हैं जहाँ दोस्तों ये वहाँ की मैंने वहाँ पहुँच कर के अपने आप ये वीडियो शूट की है ताकि अपने नाज़रीन को जो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं या जो नहीं देख पाए हैं उनको इस सोशल मीडिया के ज़रिए और इस कैमरे के ज़रिए कुछ ना कुछ ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाए और कुछ ना कुछ वो इन मुतबर्रक शख्सियात के ज़िंदगी के साथ जो वाक़ियात वाबस्ता हैं इस्लामी तारीख के साथ जो वाक़ियात वाबस्ता हैं कुछ ना कुछ वो देख लें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, दुआओं की दरख्वास्त है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।